ये कैसे घी है? केसर है, इसमें केसर। ये दूसरे शूज का दे, पैर ही बाहर निकला है मेरा पूरा। जी देखो, दोनों ने बीच में से रजाई हटाई दी ताकि रात में जो लगाई थी इन लोगों ने। और अक्सर कहते हैं यहाँ से जो ब्लैंकेट मिला है उसे ही उठ लेते हैं। क्या लेकर आए हो तुम घर से? हैं लोही वोही। अरे उठ जाओ, शेयर से सर याद कर रहे हैं यार। चाय पीने चल रहे, चलो उठ जाओ, उठ जाओ। अरे उठो, अरे सुबह सुबह कितना खाली लगता है। और ये अभी थोड़ी देर में पूरा भर जाएगा, मतलब इतना ट्रैफिक हो जाएगा, पूछो मत। चाय वाला? अरे यार, हाँ अंदर ही तक हो सकता है। चलो पहले चाय पी कर आते हैं सुबह सुबह। वैसे तो मैं नहीं पीता, पर इन सबको पीनी है तो मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करते। हाँ मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करते, सही है। कुछ भी खाओ उठपटंग, और मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाओ। जी देखो सर ने अपने एक नए बिजनेस का सेटअप डाल दिया पूरा, और ये ब्रांच खोल दिया सर ने। किसी को चाट खानी है तो यहाँ पर जरूर आए, लखनऊ में। कहाँ पर है ये? सेंट्रल होटल के सामने, रोड पता नहीं कौन सा है, जो भी है। आ जाओ सर, कभी नहीं आई टॉकीज। ये पता नहीं कौन सी वाला लगी हुई है, टॉकीज लगा हुआ है। बहुत पुराना है ये तो बिल्डिंग, है ना, नवाबों के टाइम की है। पेट पेट नहीं कम हो रहा यार, ब्लॉग देखा जा रहा है कल वाला जो अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देखा तो लाइक करना, और नहीं देखा तो जाके देखो। जय श्री राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिलहाल मैं हो चुका हूँ रेडी। मैं क्या, सब हो चुके हैं? सर भी रेडी हो चुके हैं। पंकज अभी वेट कर रहा है टॉपिक का, क्योंकि वो रूम में लॉक लगा के नहा रहा है अंदर भाई इंसान। हाँ, और उस इंसान को नहाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कितना लगेगा भाई? गजब, इतना इतना तो लेडीज को भी नहीं लगता। बात तो सही है, तो उसके बाद में ही लगता है खोल के रहा है। सर को एग्जैक्ट टाइम पता है। तो बस इसके बाद करेंगे हम नाश्ता। नाश्ते के लिए इन लोगों को जाना है निहारी खाने के लिए, और मैं अपना वेस्ट देख लूंगा, कोई भी आइटम कहीं में मिल जाएगा। अरे मैंने बाल भी नहीं काटे यार, ऐसे हो जाएंगे। तो सही लग रहे हैं, ऐसे गीले गीले बाल अच्छे लगते हैं, बिखरे बिखरे से। और फिर आज कानपुर भी निकलना है हम लोगों को, ऋषभ की शादी है उसे अटेंड करने के लिए। तो पहले लखनऊ में देखते हैं कुछ भी घूमने फिरने को मिल जाएगा हल्का फुल्का, उसके बाद जाएंगे कानपुर। लाओ डॉक्टर साहब, कंगा वंगा है कुछ? ऑयल कंगा वंगा दे दो यार, बाल काट लें, बाल ऐसे हो रहे हैं। मैंने मुठा जगह आए थे बस। अरे दोस्तों के हो तो यार, हमें क्या जरूरत है लेकर आने की, कुछ बताओ। कभी जाते हैं कंगा वंगा ले लवा के फेस वॉश। अरे यार, तुम मानोगे मैं टूथपेस्ट तो लाया, पर टूथब्रश नहीं लेकर आया। कपड़े डेली नहीं वाले तो डाल लिए ऐसे उठा के। चलो डाल लिए, जल्दी से दे दो। क्या दे दूं? कंगा दे दो, बाल काट लो। ये देखो एजेड एजेड पर्सन को लेगा। सुबह सुबह बनवा लिया आपने सर? सुबह सुबह नया होते ना बने। चेकआउट तो कर दिया हम लोगों ने फिलहाल, और अब जा रहे हैं कि नाश्ता पानी हो जाए कुछ। गोगल का है लोगों का, लोगों का नाश्ता पानी मैं भी करूँगा, पर मैं वेज। और थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग देख लेंगे इन लोगों को करनी है। चिकन कुर्ता खरीदना है मेरे को, चिकन कुर्ता ही तो पहनाना है यार, ग्वालियर में मिल जाएगा। मान ही नहीं ये चीज होती है, चिकन चिकन कपड़ा नहीं होता, चिकन एम्ब्रॉयडरी होती है। ये चीज थी ना, ये सब ठीक है, रहती है चिकन ले जाओ सर, ले जाओ। अगली बार ट्रिप के लिए मौका मिल जाएगा कि हाँ चले जाए करो, नहीं तो हाँ अगली बार से कैंसिल हो जाएंगी सारी ट्रिप आपकी। देखो लखनऊ का हाल, भाई मेल ले आइए खीर, ये खाएंगे नियारी, जब खाएंगे तब खाएंगे। ये कैसे खीर है? केसर है, केसर। चावल चावल से पीस के बनाइए। अच्छा
How it tastes? Bhai sahab, ये है अच्छी चीज़। और ये हमारी निहारी और कुलचा, कुलचा आ चुका है। मटन निहारी और कुलचा। अभी फिलहाल आ गए लुल्लू मॉल घूमने के लिए। अब ग्वालियर कह रहा हूँ, सॉरी, लखनऊ आए हैं तो कम से कम एटलीस्ट लुल्लू मॉल तो घूम के ही आए। ये बहुत बड़ा यार, इतना बड़ा मॉल तो मैंने वाकई में नहीं देखा। ग्वालियर वाला मतलब डीवी वीवी तो कुछ नहीं लग रहा इसके आगे, तो बहुत छोटे हैं। देखो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ तक, अभी तो अंदर जाएंगे, अंदर से और बड़ा होगा। चलो पार्टी और छोटू चल। वाओ यार, ये तो सीरियसली बहुत बड़ा है। मतलब अभी तो इधर भी है, देखो उस साइड भी पूरा गैलरी है। कि क्या है मॉल में, कुछ नहीं होता, जैसे कॉलेज में तो गुराके मॉल होते हैं, कितने काटा कर लेते हैं। जे देखो इस इंसान को, देखो काजल लगाया ताकि, टीका लगाया ताकि नजर ना लग जाए। शक्ल दिखाना भाई, शक्ल को वैसी नजर नहीं लगेगी यार, टीका लगा के घूम रहा है। लाओ चीज दे दो मुझे, चीज दो, चीज चीज दो अपने। चिपक रही है तो यार। डबल चीज बर्गर हो गया मेरा तो, डबल चीज बर्गर हो गया। आई लव दिस मैगालो टिक्की यार, और मैंने तो कुछ खाना भी नहीं खाया था, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम निकल चुके हैं कानपुर के लिए, जो ऋषभ की शादी अटेंड करने के लिए, जो हमारा मेन काम था। कानपुर तो पहुंच गए, अब तो चाय पीने के लिए यार, तो चाय पीने के लिए बाहर आए हैं। नहीं भाई, तुम्हारे कहने से थोड़ी बंद कर दूंगा मैं। तुम बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। हालत खराब हो गई है यार आज तो, रास्ता भी एकदम बेकार। कानपुर और लखनऊ के बीच का जो हाईवे है वो दस 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 इतना बेकार हाईवे बना रखा है, किसी मतलब का नहीं है वो हाईवे। आई एम रेडी और बाकी लोग भी रेडी हैं, बस निकलना है यहाँ से, गार्डन में पहुँचते हैं और फिर बारात में शामिल होते हैं। और थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, मेरा पेट अपसेट हो चुका है यार। दिक्कत ये है कि यार गाड़ी रात में मुझे भी ड्राइव करनी है और शादी में भी रहना है, मतलब आई मीन समझ सकते हो ना क्या हालत होगी जिसका पेट अपसेट हो जाता हो। अब डांस वांस थोड़ा सा कंट्रोल होके करना पड़ेगा, पता चले, हाँ पता चले रायता फैल जाए वहीं पे। भाई साहब पूरी नौटंकी हो गई, मेरे शूज का सोल देखो, और एक नहीं दोनों दोनों शूज का सोल देखो। जरा शूज लेके आऊं यार दूसरे, और तब तो अपने स्पोर्ट्स शूज पहन लूंगा। ये दूसरे शूज का हाल देखो, पैर ही बाहर निकला है मेरा पूरा। ए यार इन्हीं को पहनता हूँ फिलहाल, अब जल्दी मैं यार दूसरे शूज ले लिए, काम चल जाए बस अभी का। भाई नौटंकी ऐसी होती है, कभी भी घर से निकलो ना तो अपनी सारी चीज़ें चेक करके निकलना। मैंने शूज़ चेक नहीं करे, वो पूरे फटे थे, मतलब नीचे से उनका सोल ही निकल गया चलने पर। ओहो दूल्हे भैया कांग्रेचुलेशंस, आइयो।
किया? लगा के घूमे? कर लिया? चलो अच्छी बात है। नहीं भैया पूरा व्लॉग बना लीजिए। हाँ हाँ आप इसे ले लेंगे। मेरे व्लॉग का सब वेट करते हैं। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। जिस मूड से मैं आया था कि थोड़ा एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो तो सब कुछ नहीं हुआ। मैंने ऐसा कुछ उठपटन खाया भी नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों आज तो कुछ भी नहीं खाया। लिटरली एक बर्गर खाया और सुबह खीर खाई थी, बस उसी से मेरा हालत ख़राब हो गई बहुत बुरी। अब मेरे बस की भी नहीं है मैं ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कुछ करें। अभी निकल रहे हैं वापस से घर के लिए, ग्वालियर के लिए जा रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर। तबियत बिल्कुल, मैं अभी शादी में भी कुछ नहीं खाया, केवल एक केला खाया, आधा केला, एक भी नहीं आधा केला खाया, एक आधे स्प्राइट पिए बस। थोड़ा वो मीटिंग हो जाए कल। अंदर खाने का जो वो आ रहा था ना खुशबू, एरोमा आ रही थी, वो मुझे स्मेल लग रही थी, तभी मैं बाहर आ गया। ही होता है। नहीं सर, पंकज खाना खा रहा, मुझे ऐसा लगा मैं अंदर बैठा था ना पंकज, तो वहाँ पे एक लड़की आ गई खाना खा के प्लेट लेके अपनी, और मुझे ऐसा लगा रे यार ये कहाँ फंस गया मैं, तभी मैं उठ के बाहर आया। बाहर आया पंकज भी खाना ही खा रहा था, फिर मैंने कहा अब चल बाहर चल रहे गाड़ी में। चलिए फिर इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। और दीदी प्लीज आई एम सो सॉरी कि मैं पूरा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूं उसके लिए। इसी ब्लॉग से ये बीमारी ब्लॉग बनाना हम लोगों भी। इतने पीते क्या हो तुम? पहले कही थी कम पिया करो, इतनी पी क्यों तुमने? मैं वोमिटिंग भी हो रही, थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। अब बस घर जाओ जल्दी से, आराम करो। जितनी पियो तो यही होगा ना, वोमिटिंग ही होगी। बैठो तो शांत भी जा रहे हो। मैं कब पीना, मैं नहीं पीता, शुरू से बात नहीं करता। आज तो मेरे चक्कर में, आज तो बेचारे उन लोगों ने भी नहीं पी जो पीते। वो बेचारे हाँ बिना पिए रह गए।